तो फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम जानेंगे एक इसका पढ़ने का ना एक इसको चीज़ों को समझने का एक एल्गोरिदम होता है, चीज़ों को समझने का एक एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा भैया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला कोर्स है, तो हमने लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स ये 01, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं मैकेनिक्स क्या होती है, पहले जान लेते हैं मैकेनिक्स क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने इतना आप लोगों ने देखा होगा, इतना तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, हम बॉडीज बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे किसी भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कुछ भी हो, हम बॉडीज की बात करेंगे। इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी की सारी बॉडीज किसी ना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। इस दुनिया में जितने भी बॉडीज हैं वो सारी की सारी बॉडीज क्या हैं, किसी ना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। अब उस बॉडी पे क्या हो सकता है कि उस बॉडी पे हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो या फिर कुछ नेट फोर्स आ रहा हो। अगर कुछ नेट फोर्स आ रहा है तो बॉडी या तो कुछ नेट फोर्स आ रहा है तो बॉडी मूविंग बॉडी होगी, कुछ मूविंग बॉडी होगी, एक्सेलरेटिंग बॉडी होगी। और अगर कुछ नेट फोर्स नहीं आ रहा है तो बॉडी क्या होगी, स्टेशनरी होगी फिर या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो इतना हम जान गए हैं कि किसी हर किसी बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली मैकेनिक्स को आप बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, इसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ की टर्म्स पता होने चाहिए, कुछ बेसिक फंडामेंटल की टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, या कह सकते हो कि इट इज द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस। ये पता नहीं बहुत टाइम से ये चीज़ डेवलप हो रही है, बहुत टाइम से लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया था, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये इट इज द स्टडी ऑफ बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज। मैंने कहा था की टर्म्स क्या है इसके, मैकेनिक्स को याद रखने के, मैकेनिक्स को समझने के की टर्म्स हैं कि स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज। हम बॉडीज की बात कर रहे हैं, हम बॉडीज की स्टडी कर रहे हैं, तो कैसी बॉडीज, स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज। और हर कोई बॉडी किस में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। हर कोई बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में है, फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। अब वो बॉडी पे फोर्स नेट जीरो भी हो सकता है, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारी की सारी बॉडीज किसी ना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस दैट डील्स विद बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज, बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज। ये ध्यान में रखना है, ये की पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये आपके की वर्ड्स हैं, इन की वर्ड्स की हेल्प से आप कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात क्या है कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, बस इतना सिंपल, खत्म, ठीक है। अब मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट बांट दिया स्टैटिक्स और एक पार्ट बांट दिया डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट। अब जैसे कि हमने मैकेनिक्स के डेफिनेशन में कही है कि भैया हम बॉडीज की स्टडी कर रहे हैं, वो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, वो बॉडी मूविंग हो सकती है, ठीक है। तो अब हमने दोबारा से कैटेगराइज कर दिया कि भैया जो बॉडीज रेस्ट पे होंगी उनकी हम स्टडी करने के लिए एक सब कैटेगरी बना दी, क्या, स्टैटिक्स। दूसरा बोल दिया कि भैया जो बॉडी मूविंग बॉडीज होंगी उनकी अगर हम स्टडी कर रहे होंगे तो उनकी स्टडी हम करेंगे किसके अंतर्गत, इसके, डायनेमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो आप मैकेनिक्स को आप समझ गए कि मैकेनिक्स है क्या। तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड का आगे लगा हुआ है क्या, मैकेनिक्स, फ्लूइड के आगे लगा हुआ है मैकेनिक्स। तो मतलब फ्लूइड की भी स्टडी हम कर रहे होंगे, जब फ्लूइड कब होगा, या तो रेस्ट पे होगा या फ्लूइड कब होगा, मूविंग पे होगा। अभी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूँ। देखो हम क्या करेंगे, हमने पहले मैकेनिक्स को ब्रेक किया, उसके बाद मैकेनिक्स को ब्रेक करने के बाद हम आगे आएंगे, आगे हम फ्लूइड के तक पहुंचेंगे, फ्लूइड तक पहुंचेंगे, और फ्लूइड को जान गए, मैकेनिक्स को जान गए, उसके बाद हम दोनों कंबाइन कर देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर हम अपनी स्टडी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मैकेनिक्स अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, इसको यहीं पे रुकते हैं, मैकेनिक्स के बारे में इतना जानना था बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं फ्लूइड पे आते हैं, धीरे धीरे किस पे आते हैं, फ्लूइड पे आते हैं। और जब फ्लूइड पे आ रहे हैं तो फ्लूइड पे कहां से आएंगे, फ्लूइड पे कहां से आएंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं, बिल्कुल फंडामेंटल से लेके जा रहा हूं, मैं बल्कि नेगेटिव से लेके जा रहा हूं, बिल्कुल नेगेटिव से लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मैटर की। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, आपको कुछ पहले नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं किसकी, मैटर की।
मैटर की, फ्लूइड पे आना है ना, फ्लूइड पे आना है तो किसकी बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं। अच्छा मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर की आप सबको पता है, आप सबने ये डेफिनेशन इसकी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, रटते हुए आ रहे हो कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज गॉट सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बेसिकली जो भी चीज बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो भी चीज बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, हम क्या बोलेंगे उसको, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैटर, मैटर रेफर्स टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज गॉट सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है समझना। अब मैटर को ब्रेक करते हैं, अब मैटर को ब्रेक करते हैं। देखो दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर का मैटर है यहाँ पे। अब मैटर को भी हमने क्या करा, स्टडी करने के लिए आसानी से जो कुछ चीजें सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, उनको हमने एक जगह डाल दिया। तो मैटर को हमने तोड़ दिया सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, तो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, और जनरली रेगुलर पैटर्न में होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। देखो सॉलिड्स में एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो होते हैं एक दूसरे के बहुत पास जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड से वो जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर या एटॉमिक, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डेड, जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, पास रहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है पार्टिकल्स आर टाइटली, ये टाइटली है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, particles are tightly packed in regular pattern and atoms can only vibrate at their respective positions. तो particles जो होते हैं वो tightly packed होते हैं, tightly packed का मतलब एक दूसरे से बहुत पास, किसके through, या तो inter atomic bonds या फिर inter molecular bonds की help से। अच्छा in regular pattern, ठीक है, अच्छा regular pattern का मतलब similar arrangement, atoms का molecules का similar arrangement, कि जैसा arrangement यहाँ पे, ये arrangement continue हो रखा है, इस direction में भी, generally ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि regular pattern हो, बीच में pattern break भी करता है, जो regular pattern होते हैं, further हम solids को और ज़्यादा categories में divide कर देते हैं आगे, वहाँ पे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई solids की, अब यहाँ पे लिखा हुआ है And atoms can only vibrate at their respective positions. हमको ये जानने की जरूरत है कि हर किसी एटम के पास, अगर वो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होती है। अच्छा, जो उसकी थर्मल एनर्जी है, जिसको आप टेम्परेचर भी कहते हो, वो टेम्परेचर बेसिकली होता है मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट का एक पैरामीटर। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो जनरली बता रहा है कि उसके पास कितनी इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी है, कितनी उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कितनी है। तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स ये बना रखे हैं, मैंने ये मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि यार ये मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, यहाँ पे स्टेशनरी होते, नहीं ये स्टेशनरी नहीं होते, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे अपनी मीन पोजिशन के अबाउट ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, किसमें, सॉलिड्स में, ये मीन पोजिशन के अबाउट हर कोई एटम या मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप सोच सकते हो कि अच्छा अगर मैं इसको बाहर से एनर्जी दे दूं, तो बाहर से मैं इसको एनर्जी देते रहूं तो इसको और एनर्जी मिलती रहेगी और इसका मोशन बढ़ता जाएगा क्योंकि मैं थर्मल एनर्जी दे रहा हूं ना, माने मैं थर्मल एनर्जी दे रहा हूं उसको, तो धीरे धीरे और तेज मोशन होता जाएगा, मोशन, अब एक टाइम ऐसा होगा कि ये इतना वायलेंटली वाइब्रेट करेगा कि ये अपनी इस बॉन्ड को तोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन रेगुलर पैटर्न्स एंड एटम्स कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, ये बात होगी सॉलिड्स की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लिक्विड्स की। अब लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। वो इतने भी स्ट्रांग नहीं होते कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही जगह पे रहें, अपनी पोजीशन में फिक्स रहें, इतने भी स्ट्रांग नहीं होते और इतने भी वीक नहीं होते कि वो अपनी जगह से या अपनी जो उनकी कम्युनिटी है और मॉलिक्यूल्स उनसे वो दूर भाग जाएं।
उनको छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है इनकी, ना तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और ना ही बिल्कुल ही कम अट्रैक्शन, ठीक है। तो लिखा हुआ है पार्टिकल्स मूव और ग्लाइड ओवर वन अनदर। जैसे आप लोग अभी क्लास में होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता कि देखो जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, तो सॉलिड्स हो गए, मतलब आप अपनी चेयर पे फिक्स हो, जहाँ पे आप बैठे हुए हो वहाँ पे आप फिक्स हो, आपको एक मॉलिक्यूल मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपनी चेयर पे फिक्स हो, लेकिन अगर आप लिक्विड होते, तो आप पूरे क्लासरूम में आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर सकते हैं, लेकिन आप क्लासरूम छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ये क्या हो गए? लिक्विड्स के आप क्लासरूम छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह पे तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। क्या फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स है। आप किसी भी शेप में रहो, क्लास में आप यहाँ पे रहो सारे के सारे, चाहे वहां पे रहो, चाहे चार वहां, तीन यहाँ, दो यहाँ, आप कहीं भी रहो, लेकिन क्या है, आपकी शेप फिक्स नहीं है, लेकिन आपका वॉल्यूम फिक्स है, आप कमरा छोड़ के बाहर नहीं जा रहे। ये क्या हो गए? ये हो जाते हैं लिक्विड्स, ठीक है। गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल नेग्लेजिबल होते हैं। तो बिल्कुल नेग्लेजिबल फोर्सेस हैं तो किसी पे कोई रोक टोक हो ही नहीं, अब जैसे क्लास थी, आप लोग आराम से बाहर भी जा रहे हो, अंदर भी आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये क्या हो गया? ये गैसियस बिहेवियर हो गया। कैसा बिहेवियर हो गया? गैसियस बिहेवियर हो गया। और एक छोटी सी और जानने वाली बात, अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूं तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं इनको हीट देता हूं, अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो बढ़ेगा क्या? इनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो गए सॉलिड्स, ये हो गए लिक्विड्स, एंड ये हो गए गैसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स मूव और ग्लाइड ओवर वन अनदर, बट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ दैट लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। गैसेस की बात करते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्सेस, गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम धीरे धीरे ना यहाँ से हम कन्वर्ज होते चले जाएंगे। हम यहाँ से इस पोर्शन को हम छोड़ देंगे, अब सॉलिड वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे, अब हम इन दोनों पे आ जाएंगे, और इन दोनों से फिर हम फ्लूइड पे आ जाएंगे, और फिर आगे की हमारी सारी स्टडी किस पे बेस्ड होगी? फ्लूइड पे बेस्ड होगी। इतना समझ में आया? ठीक है।